मेरा घर में, बोलता है भोसड़ी का ज्यादा तो होशियारी बनती है। बोल मम्मी को आया सीधा मारने लगा, हम बोले मम्मी को काय मारा था, हमको भी मार दिए। बोले मम्मी को मार रहा सब। गोड्डा के ठाकुर रोहंटी थाना क्षेत्र में कल देर रात देसी शराब बनाने वाले के घर में घुसकर पुलिस ने मारपीट की है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं और वो पीड़ित परिवार कह रहा है, जिसके साथ पुलिस ने बदसलूकी की है। क्या मामला क्या हुआ है पूरा? रात में 1 बजे करीब सुनने में आ रही थी इसके घर में घुसा पुलिस प्रशासन। हाँ। गाड़ी के नंबर भी बताया गया, 17T 3873। वो घर में घुस के महिला से दुष्कर्म करने के चक्कर में सब पूरा उसका कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया है। पीड़ित ने बताया कि देर रात 1 बजे पुलिस उनके घर पहुंचती है और अवैध शराब बनाने के आरोप में उसके साथ मारपीट की जाती है। पीड़ित का आरोप है कि उसे पुरुष बल के द्वारा पकड़ा गया और 2-3 सहयोगी पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित कोई और नहीं, एक औरत है। वहीं उसके पति को बंधक भी बनाया गया और उनकी छोटी सी बेटी को उसके साथ भी मारपीट की गई, साथ ही गलत करने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। आज मेहरमा ठाकुरगंज के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया था। क्या मामला हुआ था? क्या मामला होगा? रात में खमख के बार तोड़ करके घुस गया। हम बोले किस लिए? आपके घर में? हाँ, मेरा घर में। बोलता है भोसड़ी चौथ ज्यादा तू होशियारी बनती है, बोल करके मारने लगा। हाँ। मारने के बाद हम बोले हाथ छोड़ेगा औरत के ऊपर। हाँ। तो फिर उसमें 4-5 जने थे, मेरे को एकदम पकड़ लिया, रे पूरा एकदम मारने लगा, लपड़ थप्पड़ पूरा फाट से एकदम घुसा से। कौन लोग था वो लोग? यही प्रशासन 1 बजे रात में था। कौन कौन सा थाना था? गंगटी प्रखंड का। गंगटी थाना? हाँ। मतलब जेंस जेंस था, महिला सिपाही कोई नहीं था? ये कितने बजे रात की घटना? 1 बजे रात में। जब मेरे बच्चे बोला किस लिए मार रहे हैं, तो मेरे बच्चे को भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया पूरा। यही बच्चा? तो मतलब अगल बगल में कोई आदमी नहीं? जगह आदमी था, मेरा आदमी को भी दबोच करके पकड़ करके रखा था उसको भी। क्या करेगा, डैमेज है मेरा पति अपने। मम्मी को आया सीधा मारने लगा, हम बोले मम्मी को काहे मार रहा था, हमको भी मार दिए। मम्मी का बाल सब पूरा टांग लगा, लात लात मारने लगा मम्मी को। तो और तुमको भी मारने लगा? तो कितने जन थे वो लोग? 5 जन। 5 लोग थे। तो आप लोग बोले ने आप बोले क्या? 3 परिवार को के नहीं मारिए। हम बोले मम्मी को मार रहा सब। जब पूरे मामले को लेकर पुलिस सुबह घटनास्थल पर पहुंची तो बताया कि आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कप्तान का निर्देश था कि जहां भी अवैध शराब, देसी शराब बिक रहा है या बन रहा है, उसपे पूर्ण रूप से रोक लगाया जाए। उसी आलोक में पुलिस कल शाम घर वालों को मना करने आई थी। इसके बाद घर वालों के द्वारा ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। क्या सच्चाई? ये सभी बातें गलत है। हाँ। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है हम लोगों को कि किसी प्रकार का दारू का जो है पर्व में व्यापार या निर्माण नहीं होना चाहिए। ये जो है हमको पता चला था कि ये दारू का निर्माण और व्यापार करते हैं। इनको सिर्फ जो है मना किया गया था, हिदायत किया गया था कि तुमको इस पर्व में ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा हम लोगों को ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। तो ये मना करने का ये जो है कहानी गलत रूप से हम लोगों को आरोपित करके बदनाम किया जा रहा है। सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। आखिर जो वहाँ के औरत का 100% आरोप गलत है। औरत से किसी तरह का बातचीत नहीं हुई है, उसका मर्द था, उससे 2 मिनट की बातें हम लोग से हुई थी। हम उसको मना किए थे कि दारू वारू का कारोबार नहीं करना है। तो महिला तो आरोप लगा रही है कि इससे पहले भी एक बार हो चुका था मेरे साथ। नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। जब भी होता है तो मना करता है पुलिस मना करती है कि कोई गलत काम मत करो, ये मेरे द्वारा ही हिदायत दिया गया था। गलत आरोप करके कि नहीं हम दारू बेचेंगे, ये करेंगे, उसका प्रतिशोध लेने के लिए 10 गो लफुआ को खड़ा करके और जाम का प्रक्रिया किया गया। तो महिला का आप ही जो रात में सर्च में जो गए होंगे तो आप ही के देखरेख में न गए होंगे सर? हाँ भाई, हमारे देखरेख में थाना
का जो भी काम होता है मेरे ही देखरेख में होता है और सभी आरोप इसका गलत। हालांकि सुबह पुलिस द्वारा पीड़ित को इलाज हेतु 1000 रुपए भी दिए गए, इलाज करा लो। सवाल होता है कि जब उन्होंने मारपीट की ही नहीं तो पैसा इलाज कराने के लिए किस बात की वो दे रहे थे। सवाल बहुत है और जवाब शायद अब तक साफ नहीं हो पाया है।